Indian dog breed which are about to extinct in Hindi by the Ultimate Channel. Please subscribe our channel to make us up and also press the bell icon for further new updates. Hey guys, welcome to Aditya. तो दोस्तों हमारा ये आज का एपिसोड खास इंडियन डॉग ब्रीड्स के ऊपर होने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसे इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में बताएंगे जो लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी कि उनकी ब्रीड लगभग खत्म होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि अगर आपके डॉग के रैशेज हो रहे हैं या फिर उसके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ खास सोप और शैम्पूज हैं जो कि आपके डॉग को इस चीज़ से रिकवर होने में मदद करेंगे। तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके अपने डॉग के लिए वो खरीद सकते हैं। तो गाइस आज के टाइम में जितने भी डॉग लवर्स हैं और जो डॉग्स के बारे में जानते हैं उनको ज़्यादातर फॉरेन डॉग ब्रीड्स के बारे में पता होता है और वो ज़्यादातर उन डॉग्स को लेना ही पसंद करते हैं, जैसे कि लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर, बॉक्सर, बीगल। ये कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में तो काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंडियन डॉग्स के बारे में पता होगा, उनकी ब्रीड के बारे में पता होगा। ज़्यादातर लोगों को इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से इंडियन डॉग ब्रीड्स इंडिया में रहकर ही एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं। तो चलिए इन्हीं में से कुछ इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में जानते हैं जो लगभग खत्म होने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम नाम रखते हैं राजा पलयम का, जिनको काफी लोग जानते हैं। लेकिन राजा पलयम भी कुछ टाइम पहले खत्म होने वाली थी, लेकिन लोगों को धीरे धीरे इस डॉग ब्रीड के बारे में पता चला और लोगों ने धीरे धीरे करके इसे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। लेकिन राजा पलयम डॉग्स अभी भी इंडिया में बहुत ही कम बचे हैं और ये ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड नंबर पे हम रखते हैं कोम्बई डॉग ब्रीड को, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये भी साउथ इंडियन स्टेट्स में पाए जाते हैं ज्यादातर, लेकिन ये डॉग भी लगभग खत्म होने के कगार पर है। और कोम्बई की डॉग ब्रीड को देखना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा है। और आप में से काफी लोगों को लग सकता है कि कोम्बई की डॉग ब्रीड स्ट्रे डॉग जैसी लगती है, लेकिन जो प्योर ब्रीड कोम्बई होते हैं वो सबसे अलग होते हैं और काफी मस्कुलर भी होते हैं। इस लिस्ट में हमने थर्ड नंबर पर रखा है मुदोल हाउंड को। आपको जैसे पता होगा कुछ महीनों पहले इंडियन आर्मी ने मुदोल हाउंड को सर्विस में रखा था, जिसके बाद से उनकी ब्रीडिंग धीरे धीरे स्टार्ट हुई। इस वजह से मुदोल हाउंड की ब्रीड खत्म होने से बच गई, लेकिन अभी भी उनकी आबादी बहुत ही कम है। फोर्थ नंबर पे एक ऐसा इंडियन डॉग है जिसका नाम आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, जिसका नाम है पंडिकोना। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपको लग सकता है कि आपने रास्ते में बहुत से ऐसे दिखने वाले डॉग्स देखे हो, लेकिन एक रियल पंडिकोना बहुत ही कम बचे हैं और इनकी प्योर ब्रीड लगभग खत्म होने वाली है। फिफ्थ नंबर पे हमने रखा है तंखुल हुई नाम के एक डॉग को, जिनके बारे में लोगों ने काफी कम सुना होगा। ये इंडिया में सिर्फ मणिपुर में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा बाहर के स्टेट्स में काफी कम देखने को मिलते हैं। इनकी प्योर ब्रीड को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे तंखुल हुई बचे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं मणिपुर में। ये कुछ इंडियन डॉग ब्रीड्स थे जो लगभग खत्म होने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे डॉग्स हैं जैसे कि बुली कुत्ता, रामपुर ग्रेहाउंड, चिप्पी पराई, गड्डी कुत्ता, बाखरवाल डॉग और भी ऐसे बहुत से इंडियन डॉग ब्रीड्स हैं जिनके बारे में लोग काफी कम जानते हैं। तो अगर आप में से किसी के पास कोई इंडियन डॉग ब्रीड है तो आप लोग बहुत ही लकी हो यार, क्योंकि इंडियन डॉग ब्रीड्स को देखना काफी कम लोगों को नसीब होता है और बहुत से लोग तो इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में जानते ही नहीं है। अगर उनके सामने कोई इंडियन डॉग ब्रीड आ जाए तो उन्हें यही लगेगा कि ये स्ट्रे डॉग है और इसे मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को इंडियन डॉग्स के बारे में पता चल सके। और नीचे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर दीजिए और ऐसे